नमस्कार मित्रों, भाइयों, बहनों, आपको लग रहा होगा कि ये गमछे में, अरे ये होममेड मास्क है। परंतु मन बहुत व्याकुल है। आज शाम की एक हृदय विदारक घटना, शाम 5 बजे मुंबई रेलवे स्टेशन, लाखों की भीड़, जनसैलाब ने मेरे मन को विचलित कर दिया और ये सोचने पे विवश किया कि आज 20वां दिन है लॉकडाउन का। देश के द्वारा उठाए गए तमाम सराहनीय कदम, हमारे फ्रंटलाइनर्स, डॉक्टर्स, पुलिस, सभी सफाई कर्मी कितना योगदान दे रहे हैं, क्या ये सब कुछ फिर मिथ्या हो जाएगा? आज सुबह हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हमें यह ज्ञान दिया, यह बताया कि लॉकडाउन के सिवा कोई और चारा है नहीं। यद्यपि उन्होंने 7 चीजों के साथ अपना साथ मांगा है, उसमें से इस जन सैलाब ने आज हमें यह सोचने को ऐसा विवश किया कि अभी भी हमारा देश, देश के कुछ वर्ग में निराशा का भाव घोर अंधेरे की तरह समा गया है। उस अंधेरे के तिमिर को काटने के लिए मैं आज आपके समक्ष अपनी कविता के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि चल रही हवा प्रतिकूल हमारे, चल रही हवा प्रतिकूल हमारे, पर सोचो कुछ तो अनुकूल है, पर सोचो कुछ तो अनुकूल है। पौधे में खिला एक फूल तो है, पौधे में खिला एक फूल तो है। सांवरी रजनी में, सांवरी रजनी में जलती ढिबरी सी, गांवों में छोटी सी ढिबरी कितना प्रकाश फैलाती है। सांवरी रजनी में जलती ढिबरी सी, उजाले का साथ अपना लगता है, उजाने का साथ अपना लगता है। एक विरक्त द्वार पर, एक विरक्त द्वार पर पवन का झोंका भी अपना सा लगता है, पवन का झोंका भी अपना सा लगता है। माना लाखों मौज है समंदर में, बहुत कठिनाइयां हैं, हम मिल नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, काम पे नहीं जा सकते, अपनी मनपसंद चीजें नहीं खा सकते। माना लाखों मौज है समंदर में, पर कहीं पर कूल तो है, पर कहीं पर कूल तो है। पौधे में खिला एक फूल तो है, पौधे में खिला एक फूल तो है, और ये फूल सिर्फ और सिर्फ सेल्फ क्वारंटीन, अपने आप को घर में रखना, लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करना ही है। इसके अलावा वो फूल कुछ और नहीं है। हमें ये सोचने की जरूरत है, दूर है उनसे तो क्या हो गया, दूर है उनसे तो क्या हो गया। अपने माँ बाप, भाई बहन, अपने चाहने वालों से अगर हम दूर हैं तो क्या हो गया। विरह पल एक मीठा गान भी तो है, विरह पल एक मीठा गान भी तो है। मरुस्थलों में, मरुस्थलों में सिर्फ रेत ही रेत है, मरुस्थलों में सिर्फ रेत ही रेत है, पर उसी मरु में नखलिस्तान भी तो है, पर उसी मरु में नखलिस्तान भी तो है। अजब, सोच लीजिए, मान लीजिए, है अजब सौभाग्य मेरा, है अजब सौभाग्य मेरा, अधरों पर प्यास अब तक बाकी है। ये प्यास जो मैं कहना चाह रहा हूं समझिएगा, पर अधरों पर प्यास अब तक बाकी है। अपने से मिलने की प्यास, काम पे जाने की प्यास, अच्छा खाने की प्यास, उनसे मिलन अपना सपना सा लगता है, उनसे मिलन अपना सपना सा लगता है। पर मन में मिलन अब तक
बाकी है, पर मन में मिलन अब तक बाकी है। चल रही हवा प्रतिकूल हमारे, चल रही हवा प्रतिकूल हमारे, पर सोचो कुछ तो अनुकूल है, पर सोचो कुछ तो अनुकूल है। पौधे में खिला एक फूल तो है, पौधे में खिला एक फूल तो है। भाइयों मित्रों मेरे प्यारे देशवासी, कृपा करके हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय द्वारा, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा किए गए आह्वान को अक्षरशः पालन करिए, लॉकडाउन में रहिए। और मेरा विश्वास है यह कोरोना हमसे क्षमा मांगेगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमने घर में रहकर लड़ाई की तो जो बाहर रहकर लड़ाई कर रहे हैं उन्हें बहुत बड़ा मनोबल मिलेगा। तो मैं आपसे पुनः विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब होममेड मास्क का प्रयोग करें और घरों पर ही रहें। धन्यवाद।